जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़्लाइट हमारी सेफली न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। सो फाइनली वी आर ऑन द मेन रनवे एंड रेडी टू टेक ऑफ। देख रहे हैं माई आगे खड़ी हो गई है, बाद में माई ने कहना है कि मेरे ऊपर कैमरा मार रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ आगे दिखा रहा हूँ। ये जी खाना शाना सारा यहीं से गर्म गर्म मिल जाएगा होपफुली। ये देख लें, ये चैन के पड़ी हुई है, चाय शाही नहीं, पानी गर्म है। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने गेट के ऊपर और रियली बहुत थक गया हूँ चल चल के। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है बहरीन वालों का, थका दिया कसम से इसने। टायर्ड हो गया, नींद भी आ रही है, आंखें भी मेरी रेड हो गई हैं, बट थैंक्स टू गॉड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द गेट एंड जस्ट वेटिंग। यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड A22 and B22 पैसेंजर जा रहे हैं आगे, तो थोड़े रश कम होता है तो हम भी चलते हैं, चलते देखते हैं आगे। आई थिंक फ्लाइट ऑन टाइम है तो चलते हैं। सीट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ विंडो मैंने रिजर्व कराई थी, आई होप मुझे विंडो मिल जाएगी। चलें आगे देखते हैं इसके बाद। चलें हम अपने गेट के पास आ गए हैं, 22A and 22B। तो चलें जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, नज़दीक चलते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से इन होने में। इन होते हैं और अपनी फ़्लाइट देखते हैं आगे चल के। काफ़ी लंबा स्टे था, 3.5 आवर, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी तो व्यूवर्स, जैसे आप देख सकते हैं मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ और विंडो सीट ही मिली है मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली विंडो मेरे हाथ से थोड़ी पीछे है जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और यहाँ से टेक ऑफ एंड लैंडिंग के शॉट्स लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट शॉट लेके आप तक पहुँचा सकूँ। बाकी एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि ये एमरजेंसी गेट के बिल्कुल सामने वाली सीट है और लेग स्पेस बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा इजी होकर मैं बैठा हुआ हूँ। सामने किचन है, खाना बिल्कुल गर्म मिल जाएगा यहाँ से। चलो मैं दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपने सामने का व्यू। ये हमारा रूट है, नज़र आ रहा है यहाँ। माई आगे खड़ी हो गई है, बाद में माई ने कहना है कि मेरे ऊपर कैमरा मार रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ एयरक्राफ्ट ने टैक्सी स्टार्ट कर दी है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह टेक ऑफ कर लेंगे हम यहाँ से। आपको आज बड़ा क्लियर नज़र आएगा इस वीडियो में, ये इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ वाली सीट मिली है मुझे, फुली डुली सीट है, मज़े से बैठे हुए हैं, साथ किचन है, वाजिबा खाना शाना रेडी है बिल्कुल। पानी का व्यू आप देख सकते हैं, रेडी टू मूव फ्रॉम द मनामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहरीन टू इस्लामाबाद इंशाल्लाह। इट इज बोइंग 7879 जैम्बो एयरक्राफ्ट। इसके पीछे एक और फ्लाइट आ रही है जो इसके बाद टेक ऑफ करेगी। सो फाइनली वी आर ऑन द मेन रनवे एंड रेडी टू टेक ऑफ। मोबाइल मेरे हाथ में सही टाइट नहीं है, मे बी स्लीप। टेक ऑफ के लिए रेडी हम।
ऑफ किया है पायलट ने। चलें जी, ये आप एरल व्यू देख रहे हैं मानामा सिटी बहरीन का, बहुत ही वंडरफुल व्यू है नाइट में, जगमगाता हुआ शहर। इतना सा बहरीन था, हम बहरीन से निकलते हुए समंदर के ऊपर आ गए हैं। तो छोटी छोटी कंट्री हैं मिडल ईस्ट में, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, दुबई, कतर। चले फ्रेंड्स, हम बहरीन से निकल के आगे बहरीन के समंदर को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं आगे। स्पॉटिंग नज़र आ रही है समंदर के अंदर, ये आई थिंक बोट्स हैं, समंदर के अंदर खड़ी हैं कुछ, ये बड़े शिप हैं। माशाल्लाह जी, हॉट एंड फ्रेश ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है हमारे सामने। जैसे आप देख रहे हैं, इनके पास मेन्यू में चिकन एंड बीफ था, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया है। चिकन के साथ ये फर्दर आइटम्स जो आप देख रहे हैं, चिकन का सालन है, साथ में राइस है, और इसके साथ ये ब्रेड पड़े हुए हैं। इस साइड पे ये सैलड टाइप है, चने शने के साथ, पानी का छोटा सा कप है, और ये एक बिस्किट केक टाइप। ठीक है जी, यही है इनके ब्रेकफास्ट में। तो चलें इसे टेस्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि गल्फ़ वालों का जो खाना है वो बस गुजारा ही है, खाना इनका इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप गल्फ़ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो खाने पे आपको डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली लैंड कर चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और पासपोर्ट चेकिंग के बाद मैं आ गया हूँ बाहर, और अब लगेज की तरफ जाएंगे। देखते हैं लगेज कौन से बेल्ट पे आ रहा है। दो फ्लाइटें लगी हुई हैं, एक हमारी फ्लाइट आई है गल्फ़ की, और दूसरी फ्लाइट तर्किश एयरलाइंस की आई हुई है, इसलिए काफ़ी रश है। बेल्ट इसी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। चलें चल के देखते हैं सामान हमारा पहुंचा है कि नहीं। जी फ्रेंड्स, तो ये हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर के मनाजर। माशाल्लाह, सुबह के 6 बजे हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। गर्मी कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रही, मौसम ठीक है, आई थिंक बारिश हुई है कल। तो दो फ्लाइट्स हैं एट ए टाइम, इस वजह से पैसेंजर्स काफ़ी हैं जैसे आप देख सकते हैं। बट आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपना लगेज वगैरह लेके बाहर आ गया, तो यहाँ से अब निकल रहे हैं। गुड बाय टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल अराइवल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंड हो चुकी है फ़्लाइट, और मैं अपना लगेज वगैरह लेके बाहर निकला है एयरपोर्ट से। सुबह के 6 बज चुके हैं, टाइम काफ़ी लग गया है, फ़्लाइटें 2-3 आ गई थी, तो लगेज आने में टाइम लगा। वो हो चुकी है जैसे आप देख सकते हैं, मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, और आज का व्लॉग यहीं तक, यहीं से कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट इसी टॉपिक पे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।